फेस को जॉ पे अपने स्टॉप कर दे देंगे ये फेस को, और ये डायमीटर को क्लेम कर देंगे हम। ये डायमीटर को क्लेम करने के बाद बाकी का ऑपरेशन हम सिकल सेटअप में पूरा कंप्लीट कर देंगे और ये बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट सेटअप कर देते हैं तो सिकल सेटअप हमें क्या प्रॉब्लम होगा, दोस्तों आज की वीडियो में हम इस ड्राइंग का पूरा डिटेल देखने वाले हैं। मतलब हमें ये जॉब अगर सीएनसी मशीन पे बनाना है तो कौन से साइड से हमें फर्स्ट सेटअप लेना पड़ेगा और कौन से साइड से सिकल सेटअप लेना पड़ेगा, और ये जॉब बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल लगेंगे। मतलब हमें ये जॉब पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कौन कौन से टूल की आवश्यकता है, चाहे वो ओडी का हो चाहे आईडी का हो, ठीक है। तो दोस्तों हम इसका पूरा डिटेल देखने वाले हैं। और रही बात ऑफसेट का, तो ऑफसेट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूं, मतलब कल दूं, क्योंकि ऑफसेट का पूरा ड्राइंग का पूरा एक साथ डिटेल देखने जाएंगे ना तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए पहले ड्राइंग का पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला डायमेंशन दिया दोस्तों, जैसे कि ये आप पकड़ के चलिए, यम 50 इंटू 2.5। 2.5 क्या, हमारा थ्रेड का पिच है। यम 50 ये हमारा डायमीटर रहेगा, इस डायमीटर पे हमें थ्रेड बांधना है 2.5 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और गुरु दिया हुआ, गुरु बीज जो है कितना दिया, जैसे कि गुरु बीज जो दिया हुआ है ये 3 mm दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ। और रही बात एंगल का, एंगल का यहाँ पे देखो दिया हुआ है कितना 45, मतलब 45 का ये एंगल हमें मारना है, ऐसे 45 का एंगल मारना है, और ये जो फ्लैट है ये 3 mm का हमारा रहना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वो क्या, जैसे कि जो डायमीटर पे हमें थ्रेड मारना है उसका डाया जो है ये 50, मतलब 50 का डाया रहेगा हमारा, लेकिन ये गुरु जो मारना है ये गुरु का डायमीटर नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ है, देखिए अगर उसको गुरु का डाया का रिक्वायरमेंट रहता, मतलब हमारे ड्राइंग में इस तरीके का भी ड्राइंग आता है, शो होता है कि अगर उसे गुरु का डायमेंशन चाहिए तो वहां पे वो लिख के देगा कि हमें गुरु डाया कितना चाहिए, और अगर नहीं दिया है तो फिर हम उसको जो बनाएंगे गुरु का डाया कौन से डायमीटर का बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि यम 50 इंटू 2.5 मतलब 50 का डायमीटर पे हमें 2.5 पिच का थ्रेड मारना है। तो जब हम थ्रेडिंग करेंगे ना तो ये गुरु के डाया पे थ्रेडिंग नहीं होना चाहिए, तो हम कितना रखेंगे तो नहीं होगा, जैसे कि 50 का डायमीटर है 2.5 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47.5 आएगा। 47.5 अगर हम रखेंगे तो क्या उसके ऊपर थ्रेड नहीं आएगा, आ सकता है, तो हम क्या करेंगे 47 कर देंगे, 0.2 0.3 0.4 0.5 हम उसको डाउन कर देंगे ताकि गुरु डाया पे थ्रेडिंग ना हो, ठीक है। थ्रेडिंग यहीं तक होना चाहिए, गुरु डाया पे थ्रेडिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे आया, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ना अंडर कर दिया हुआ है, वो भी एंगल में है कुछ इस तरीके से है बराबर, और इसका जो एंगल है कितना दिया 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ बराबर। तो हमें इसमें कौन सा टूल लगेगा, जैसे कि यहाँ पे 4 mm का गुरु भी दिया हुआ है, तो 4 mm के लिए हम 4 mm का गुरु का एंसर लगा सकते हैं, 3 mm का लगा सकते हैं, 2 mm का लगा सकते हैं, 1 mm का भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 mm का लगाने जाएंगे ना तो हमारा साइकिल टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 बार वो जाके मारेगा तभी जाके उसका 4 mm गुरु का विड्थ कंप्लीट होगा। 2 mm 3 mm हम इंसर्ट यूज कर सकते हैं नॉर्मली, अगर नहीं है अपने पास तो मजबूरन 1 mm ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने पास है 2 mm 3 mm 4 mm तो जितने ज्यादा का है अपने पास फोल्डर उतने का भी यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमें वीएनएमजी वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हमारा फिनिश टूल आएगा, ये देखो ये भी और ये भी दोनों एक साथ हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम ये वाला हिस्सा पूरे इंसर से मारे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइमिंग नहीं जाने वाला है। हम फिनिशिंग के लिए जब टूल बुलाएंगे तो सबसे पहले इसको बना के लेंगे, फिर इसको बना के लेंगे, फिर उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे और एक साथ से पूरा ओडी फिनिश कर देंगे। कौन से टूल, केवल एक ही टूल, कौन सा, वीएनएमजी, ठीक है। देखिए इस तरीके का प्रोग्राम अगर हमें बनाना है, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसका वीडियो दोस्तों मैं चैनल पे दिया है और इसका भी मैं दोस्तों चैनल पे दिया, तो ये दोनों का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे ही दे दूंगा, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। गुरु का प्रोग्राम भी मैं चैनल पे दिया हूँ, गुरु कैसे मारते हैं, इसका भी प्रोग्राम मैं चैनल पे दिया हूँ, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो ओडी गुरु का भी प्रोग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। थ्रेडिंग का भी प्रोग्राम लगभग सभी प्रोग्राम मैं चैनल पे दे चुका हूँ, आप लोग खाली जाके एक बार देखना होगा आप लोगों को। ज्यादातर वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, आपके नाम कोई वीडियो रहेगा तो एक बार जरूर वॉच करना। अब उसके बाद दोस्तों जैसे कि ये जो है यह वीएनएमजी पर आएंगे और एंगल कितना है 90, मतलब ये 45 डिग्री आएगा, ये वन साइड 45 डिग्री है, ठीक है।
अब उसके बाद ये हमें पता चल गया है कि कैसे बनाना है, हम बोरिंग करते ही बनाएंगे इसको, बोरिंग पार्टिंग आप बोल सकते हैं क्योंकि हम उसी टूल से बोरिंग भी करते हैं, उसी टूल से पार्टिंग भी करते हैं। ये बस समझिए कि बोरिंग टूल अलग से रहता है और पार्टिंग टूल अलग से, टूल एक ही रहता है, काम हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, पीछे का डायमीटर है दोस्तों 40। ठीक है, अब सेटअप बाद में देखेंगे, थोड़ा हम आईडी का भी देख लेते हैं। देखिए आईडी का जो थ्रेडिंग दिया हुआ है M28 × 1.5, क्या दिया है M28 × 1.5 के डायमीटर पे थ्रेड दिया है। और यहां पे भी देखिए गुरु दिया है, तो गुरु कितने का है 3 mm का, ये गुरु का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो 3 mm है, गुरु डाया यहां पे भी नहीं दिया है। ठीक है, एंगल कितने का दिया 45। देखिए आप, मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या दिया है M50, ये चीज समझिए दोस्तों, आप M50 दिया है, M50 × 2.5 दिया है। ठीक है, इसका हम ओडी डायमीटर कितना बनाएंगे, M50 × 2.5 दिया है ना, इसका हम टर्निंग करेंगे, मतलब रफिंग फिनिश जब करके लेंगे, जो हमें थ्रेडिंग मारना रहेगा तो थ्रेडिंग से पहले इसका डायमीटर कितना रहेगा, मतलब ओडी डाया कितना रहेगा, इसका ओडी डाया जो रहेगा ना, डाया डाल देता हूं 50.0 रहेगा। ठीक है, ये डायमीटर रहेगा हमारा, इसका M50 × 2.5 इंच का ये डायमीटर रहेगा, लेकिन इसका डायमीटर कितना रहेगा M28 × 1.5, इसका डायमीटर हम क्या करेंगे M28 से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आगे डाया में डालता हूं कितना M28 × 1.5, इसका मैं आगे डालता हूं। देखिए 28 में 1.5 माइनस करेंगे तो 26.5 आएगा, 26.5 इसका डायमीटर कितना बनाएंगे 26.5 बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, डील भी मारना होगा, तो हम डील कितने का मारेंगे 26.5, तो हमारा आईडी का फिनिश साइज है, गुरु भी हमें बनाना, गुरु हम कैसे बनाएंगे, गुरु के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, बोरिंग टूल यूज करेंगे नहीं, हम दोस्तों पहले डीलिंग का देखते हैं। देखिए इसका साइज दिया है 26.5, ये जो आईडी का साइज है इसका फिनिश साइज है। ठीक है, तो हम इसको जो फिनिश करेंगे उसी टाइम पे, पहले इसको जैसे इसको बताया आपको, फिनिश करने से पहले मीन मिला के ये अंडर कट मार के लेंगे, ये भी अंडर कट मार के लेंगे, इसी तरीके से इसका भी हम फिनिश करने से पहले ये अंडर कट मार के लेंगे, उसके लिए हमें कौन सा टूल लगेगा, DCMD लगेगा दोस्तों, DCMD। ठीक है, 0.4 लीटर से हम इसका गुरु मार के लेंगे। ठीक है, और डीलिंग के लिए दोस्तों हम यहाँ पे देखिए कौन सा भी डील यूज कर सकते हैं, कौन सा मतलब हमारा जो आरडी का फिनिश साइज है 26 से छोटा डील है, 25 का, 24 का, 22 का, 20 का, जो भी डील आप मार सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध है ऑलरेडी आपके पास, जो जैसे कि मेरे पास 20 का या 22 का है। ठीक है, अब ऐसा रहा है कि मेरा आईडी का साइज कितना है 26.5, तो मुझे 25 का डील चाहिए तो चाहिए, ऐसा बोलना है, क्योंकि 20-22 का आता मुझसे मार के काम चला लेंगे, अब इसके लिए स्पेशल टूल लेके आएंगे नहीं, बराबर है ना, तो जो टूल है उसे हम मार के अपना जॉब रेडी कर सकते हैं। तो अगर 20-22 का भी डील मारे उसके बाद हम रफिंग के लिए कोई भी टूल ले सकते हैं, रफिंग के लिए जैसे CCMD हो गया, ज्यादातर नॉर्मल वही यूज होता है, CCMD से रफिंग कर देंगे, उसके बाद रफिंग होने के बाद फिर DCMD से हम फिनिश प्रोग्राम बना देंगे, और ब्रेक के लिए भी DCMD ही टूल लगाना, टूल लगाने की जरूरत नहीं है। और रही बात थ्रेडिंग का, 28 × 1.5 का पीछे 28 × 1.5 मतलब आईडी जो बनेगा 26.5 का बनेगा, तो 26.5 आईडी बनेगा, तो हम होल्डर कितने का लगाएंगे, होल्डर थ्रेडिंग का होल्डर या फिनिशिंग टूल का DCMD दोस्तों हम 20 का दोनों ले सकते हैं, 20 का फिनिशिंग का भी ले सकते हैं, और मतलब DCMD अब 20 का थ्रेडिंग का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन सा टूल लगा आईडी में, डील सेंटर डील की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 20-22 का डील मारे डायरेक्ट मारेंगे, सेंटर डील का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तो डील हो गया, उसके बाद तुम्हारा CCMD रफिंग हो गया, DCMD फिनिश हो गया, और चौथा थ्रेडिंग हो गया, चार टूल लगेंगे। ठीक है, अब ये हम आगे देखेंगे कौन कौन सा टूल लगेगा, बहरहाल पहले हम ये देखते हैं कि कौन से साइड से हमें इसका फर्स्ट सेटअप लेना पड़ेगा और कौन से साइड से सेकंड सेटअप लेना पड़ेगा। देखिए इसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है दोस्तों 70, पहला जो लेंथ है थ्रेडिंग का वो 20 है, फिर 10 mm का बीच में डाया अपना कौन सा 80 का डाया है, फिर बीच में अंडर कट दिया हुआ है, अंडर कट जो दिया है ना इसका लेंथ है 10। ठीक है, इसका हमने डायमीटर साथ नहीं डाला, अंडर कट का डायमीटर मुझे डालना चाहिए था,
यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अंडरकट का डायमीटर, जैसे कि 80 का डायमीटर है ये, तो मैं 78 कर देता हूँ। कितना 78, ये 76 है, इसको 75 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में डाया जो है वो कितने का है, 80 का है, उसके बाद 78 का अंडरकट आया है और 75 का दूर। अब यहाँ पे आप समझिए कि फर्स्ट हमें कौन सा साइड से देखना पड़ सकता है। देखिए, जैसे कि अगर हम चाहें ना तो दोनों साइड से फर्स्ट सेटअप और दोनों साइड से सिकल सेटअप ले सकते हैं। मैं जब बनाने जाऊंगा ना तो क्या करूंगा कि जैसे यहाँ पे गुरु दिया हुआ ना, तो ये गुरु नहीं मारूंगा, यहां तक मैं जॉब क्लेम करूंगा, यहां से लेके यहां से जॉब क्लेम करूंगा, ये इसका पूरा क्लेम करके दूंगा। कहां तक, यहां तक क्लेम करके दूंगा। ठीक है, इसका लेंथ कितना रहेगा, देखिए 20, 10, 30, 10, 40, 50, 50, 10, 60, 60, 64। ठीक है, 64 हो गया, बचा कितना 6, टोटल में कितना 70, मतलब 10 और 6 16, 16 mm का ये लेंथ हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मिल जाएगा क्योंकि ये हमें बाद में मारना है, अगर पहले मारना तो भी फर्स्ट कटर भी मार सकते हैं, बाहर चाहे उसी कटर भी मार सकते हैं। 15 mm क्लैंपिंग करके ना 45-40 mm तक का टर्निंग और बाकी ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं। मतलब फिर हम इसको क्लैंप करके फिर डीलिंग करेंगे, आड़ी का ऑपरेशन करेंगे, ओडी का ऑपरेशन ये पूरा कर सकते हैं, चाहे तो गुरु भी मार के लें या तो फिर सिकल सेटअप में गुरु मारने का ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सिकल सेटअप हम कैसे बनाना है एक बार हमें देखना होगा। देखिए, फर्स्ट सेटअप में पूरा ऑपरेशन कर लेंगे ना, ये 20 mm का लेंथ है, तो हम थ्रेडिंग पे भी पकड़ सकते हैं और चाहे तो ये डायमीटर पे, अगर हमें ये जैसे कि ये डायमीटर जो रहेगा कितने का रहेगा, 50 का रहेगा, ये थोड़ा अंदर जाएगा, फिर ये डायमीटर पे क्लैंप करके ये साइड पे बनेगा। लेकिन इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर दोस्तों ये है कि ये डायमीटर पहले रॉ मटेरियल जो रहेगा हमारा, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के ये साइड का हम ऑपरेशन पूरा करके लेंगे। मतलब कहां तक कि गुरु नहीं मारेंगे, हाँ क्या गुरु नहीं मारेंगे, केवल यहां तक टर्निंग करके लेंगे। मतलब जो गुरु का डिस्टेंस रहेगा उसको हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करके केवल जैसे कि 4 mm का गुरु थे तो बीचों बीच टर्निंग कर लेंगे, मतलब यहां तक ये हिस्सा पूरा टर्निंग करके लेंगे, ये डायमीटर बना के लेंगे, ये डायमीटर भी ये साइड बना के लेंगे, चंपर भी बना के लेंगे, फिर उसके बाद ये साइड हम स्टॉपर देंगे, ये फेस को जॉब पे अपने स्टॉपर दे देंगे ये फेस को, और ये डायमीटर को क्लेम कर देंगे हम। ये डायमीटर को क्लेम करने के बाद बाकी का ऑपरेशन हम सिकल सेटअप में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और ये बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट सेटअप कर देते हैं तो सिकल सेटअप हमें क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हमें थ्रेडिंग के ऊपर क्लेम करना है, थ्रेडिंग के ऊपर हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर ब्रास का है तो थोड़ा रिस्क रहेगा, अगर ब्रास का नहीं है, हमारा एमएस है, एसएस का मटेरियल है, थ्रेडिंग के ऊपर हम क्लैंपिंग करके बाकी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन थ्रेडिंग के ऊपर पकड़ने जाएंगे ना, जैसे कि 20 mm का लेंथ है तो बचा कितना 10, 20, 30, लगभग 40 mm का लेंथ बचा, क्योंकि 70 का है तो 20 mm करेंगे तो 50 mm अपना जवाब बाहर हो गया, 20 mm क्लेम करके 50 mm का बाहर ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने इसमें तो कुछ शो नहीं किया है डायमेंशन, जैसे कि रन आउट, पंद्रह सिटी, तो सब में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर यही है कि हम फर्स्ट सेटअप ये साइड कर लें, सेकंड सेटअप वो आप साइड कर लें। ठीक है, अब इसमें टूल कौन कौन सा यूज होगा दोस्तों, फटाफट टूल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ऑफसेट के बारे में कल की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला टूल जो हमारा आएगा, जो हम नॉर्मली फेसिंग टर्निंग जो करते हैं, वो आपके पास कौन सा टूल, जैसे CNNG, TNNG, WNNG, VNNG, तो मैं यहाँ पे CNNG को रेफर करता हूँ। पहला टूल जो हमारा फेसिंग और टर्निंग करेगा वो कौन सा टूल रहेगा, CNNG। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हम जो यूज करेंगे तो डील यूज करेंगे, क्या डील, दूसरा डील हो गया। ठीक है, तीसरा आईडी रफिंग या ओडी रफिंग, यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आईडी रफिंग या ओडी रफिंग, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूं आईडी रफिंग। ठीक है, आईडी रफ। चौथा ओडी रफ, ओडी टर्निंग डाल देते हैं या रफ डाल देते हैं, रफ ही डाल रहा हूं। पांचवा आईडी फिनिश या ओडी फिनिश। ठीक है, आईडी फिनिश। छठा ओडी फिनिश, एक चीज मैं नहीं बताया हूं, आगे बताने वाला हूं, ओडी फिनिश। सातवां ओडी गुरु, ओडी गुरु, ओडी गुरु। आठवां ओडी ट्रेड। नौवां आईडी ट्रेड।
ओके मैं हमें लिए हैं फेसिंग ट्रेनिंग करने करना रहेगा हमें, तो पहले सीएनजी लेंगे ओडी के लिए, उसके बाद हम उसको फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें डील मारना, डीलिंग के टाइम पे हमारा जॉब नॉर्मल आउट हो जाता है, तो इसके लिए हम पहले डीलिंग करके लेंगे बाद में ओडी फिनिश करेंगे। सेकंड टाइम में डीलिंग हो गया, तीसरा आईडी रफिंग हो गया, चौथा ओडी रफ हो गया, पांचवा आईडी फिनिश हो गया, छठा ओडी फिनिश हो गया, सातवां ओडी गुरु हो गया, फिर ओडी ट्रेड आईडी ट्रेड क्योंकि आईडी भी गुरु नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया वो क्या है, ये फ्लैट दिया हुआ है आईडी का जो फेस है ना वो फ्लैट दिया हुआ है, उससे पहले हम डील मार रहे हैं, डील मार रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जैसे कि अगर डी या यूडी आप यूज करेंगे, यूडी यूज करेंगे तो आपका ये फेस जो है आसानी से फ्लैट हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा दो तीन कर लेंगे तो आसानी से वो फ्लैट हो जाएगा, लेकिन अगर हम डी यूज करते हैं तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, सेंटर आएगा तो ये क्लियर कैसे करेंगे हम, इसके लिए दोस्तों हम फेसिंग करेंगे, लेकिन बेहतर रहेगा कि हम वहाँ फ्लैट डील यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्लैट डील यूज करेंगे तभी आसानी से फेस हो जाएगा, नहीं तो केवल डीलिंग के बाद अगर हम सीसीएमटी या जो भी टूल रफिंग के लिए यूज करते हैं उससे क्लियर करने जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है, हमारा इंटर बार बार टूट सकता है और हमारे होल्डर को भी डैमेज आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल था दोस्तों आज के वीडियो में, मैं जो आपको ड्राइंग का पूरा डिटेल दिया हूं, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका जो टूल आपको निकाल के दिखाया है सीएनजी डी आईडी ओडी आईडी फिनिश ओडी फिनिश ओडी ग्रुप आईडी ग्रुप ट्रेड जो भी है इसका ऑफसेट कैसे लेंगे, ऑफसेट का ऊपर दोस्तों मैं लगभग कई वीडियो दिया हूं लेकिन अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है ऑफसेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ड्राइंग का पूरा ऑफसेट का डिटेल देने वाला हूं जो कि मैं कल की वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो कैसा है जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।